जीत का सहरा में अपने पेरेंट्स पहले सहरा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद दी इस अचीवमेंट को हासिल करने की, और सेकंडली अपने इंस्टीट्यूशन शेख नूरुद्दीन नूरानी इंस्टीट्यूट इमाम साहब के, और जहाँ मैं एक्सटर्नली कोचिंग कर रहा था पायनियर्स एकेडमी ऑफ साइंसेज, वहाँ से भी काफ़ी मदद मिली, मटेरियल वहीं से मिला जी। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, और मेरी मैसेज यही रहेगी अपनी क्लासमेट्स और बाकी जो टेंथ में थे और जिनके मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए या जिनको लगता है कि उनके मार्क्स कम आए, उनके लिए मेरी यही मैसेज है कि आप और मेहनत करें, अगले आने वाले एग्ज़ाम्स में इंशाल्लाह आपको ज़रूर फल मिलेगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है मेहनत में, फिर मार्क्स कम आते हैं, आप फिर मेहनत करें, फिर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका जो फल होगा मेहनत का वो ज़रूर आएगा। ऑफलाइन मटेरियल से मैंने फिर मैनेज किया, 2G इंटरनेट से तो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आई थी, फिर मुझे ऑफलाइन मटेरियल जो नोट्स लेने पड़े बाकी टीचर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास थे उन्हें सॉल्व किया, इसी की वजह से मैं आज इस अंजाम तक पहुँचा इसकी मदद से। 2G इंटरनेट क्या बहुत ज़्यादा जो एक ओबस्टैकल ही रहा, क्योंकि इंटरनेट तो था ही रेस्टोर्ड, पर ये 2G इंटरनेट था, स्पीड ना ही ज़्यादा था और प्रॉब्लम्स तो फिर क्रिएट ही होनी चाहिए। कभी कभी इसका होना या ना होना एक ही बात है, फिर यही डेडिकेशन थी कि इंटरनेट पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है क्योंकि स्पीड स्लो है, हम कंटेंट नहीं ले सकते यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म से, तो ऑफलाइन स्टडी बुक्स कंसल्ट किए गए हमें, उन्हीं बुक्स की वजह से फिर यहाँ अंजाम तक पहुँचे। ये खुशी का मुकाम है जिस टाइम उस स्कूल के लिए जहाँ से हमने तालीम हासिल की, हमारे फादर के लिए जिन्होंने हमेशा हमारी तमाम ज़रूरियात हमें मुहैया की। अगर देखा जाए तो फॉर 2 years वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट, इट इज़ एक तो इंटरनेट बार था, सेकेंडली कोविड पैंडेमिक था, बट वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स जिनमें एक डिटर्मिनेशन हो, दीज थिंग्स हार्डली मैटर, बहुत ही ज़्यादा इनमें एक डिटर्मिनेशन फैक्टर है मेरे ब्रदर में साकिब रहीम, और बहुत ही ज़्यादा इनमें एक अचीवमेंट हासिल करने की एक अंदर एक फैक्टर है, तो जिसके लिए आज इनको एक कामयाबी हासिल हुई है। मोय ब्रदर साकिब रहीम, ये आपके लिए एक मशाल राह है, जब आप डिटर्मिनेड हो, जब आपको अचीवमेंट हासिल करने का एक मकसद हो, तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। ड्रग्स आप छोड़ दीजिए, बाकी आप गलत जो एक्टिविटीज़ है वो छोड़ दीजिए, आप एक अच्छी राह पे आए। जैसी एक्सपेक्टेशंस आपके फादर, आपके टीचर्स, आपकी फैमिली, सब कम्युनिटी को आपसे हैं, आप उस पर नज़र फोकस कीजिए।